गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मीनाक्षी गहलोत, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। मेरा आज का टॉपिक सेल जंक्शंस। मेरा ये टॉपिक एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर को कवर करेगा। इंट्रोडक्शन। सेल जंक्शंस और इंटरसेलुलर ब्रिजेस जो हैं वो सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स के बने हुए होते हैं और ये सेल को कॉन्टैक्ट और एडिशन प्रोवाइड करते हैं आसपास की सेल्स के साथ। तो ये एक सेल किस तरह से आसपास की सेल से जुड़ी हुई होती है और एडिशन और कॉन्टैक्ट किस तरह से होता है, ये सेल जंक्शंस के थ्रू होता है। अब हम ये देखते हैं कि जो किसी भी जैसे एपिथेलियल सेल है तो उनके अंदर पैरासेलुलर जो बैरियर है, इसके अलावा पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट, ये सब के सब भी सेल जंक्शंस के थ्रू ही होता है। सेल जंक्शन एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये सेल को एडिशन मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड करते हैं और जिससे कि सेल अडहेयर होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रिक्स है वहाँ से कॉन्टैक्ट सेल का होता है और एक सेल का दूसरी सेल से किस फॉर्म में वो आपस में जुड़ते हैं और किस तरह से उनके बीच में ट्रांसपोर्ट होता है। इसके अलावा जो सेल जंक्शंस हैं वो कम्युनिकेशन आसपास की सेल के साथ करने में हेल्प करता है और इसमें स्पेशलाइज जो प्रोटीन के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो काम करते हैं, जिसे हम गैप जंक्शन के नाम से जानते हैं। सेल जंक्शन जो है वो किसी भी सेल का जो जो स्पेस मिला हुआ है वहाँ पर उस स्ट्रेस को कम करने का भी काम करता है, क्योंकि जो आसपास की सेल से क्योंकि एक सेल घिरी हुई है तो उस स्ट्रेस को कम करने का काम भी सेल जंक्शन करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे गैप जंक्शन की। गैप जंक्शन जो है वो सेल का एक जंक्शन का टाइप है जो कि एक सेल को पास वाली सेल के साथ कनेक्ट करने का काम करता है और ये जो गैप जंक्शंस हैं उसके अंदर प्रोटीन्स के चैनल प्रेजेंट होते हैं। ये चैनल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं और हर सेल के जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं और अदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, वो इस गैप जंक्शन से एक सेल से दूसरी सेल के अंदर जाते हैं। गैप जंक्शंस जो हैं वो उनके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस मिलते हैं, हर सेल की टू सेल ये वेरी करता है। इसके अलावा ये जो एक सेल जो दूसरी सेल से डायरेक्ट टचिंग है वो गैप जंक्शन के थ्रू ही होती है। इसके अलावा ये जो गैप जंक्शंस हैं इनके अंदर हम एक देख सकते हैं जो स्पर्म सेल्स और रेड ब्लड जो सेल्स हैं इनके अंदर, क्योंकि ये एक दूसरे से क्लोज कॉन्टैक्ट में नहीं होती हैं तो यूजुअली इनके अंदर ये गैप जंक्शंस एब्सेंट होते हैं। गैप जंक्शंस जो है हर एनिमल सेल के अंदर, लगभग सभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल के अंदर ये जो है उसे हम प्लास्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं, बल्कि गैप जंक्शन वाले प्रोटीन नहीं होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं, जिसे हम प्लास्मोडेस्माटा के नाम से जानते हैं। गैप जंक्शन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वर्टिब्रेट की जो सेल्स हैं उनके अंदर जो गैप जंक्शन है वो कोनेक्सिन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो गैप जंक्शंस हैं वो इनेक्सिन प्रोटीन्स के बने हुए हैं। तो हमें ध्यान देने का ज़रूरत है कि थोड़ा सा प्रोटीन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है और कोनेक्सिन जो प्रोटीन्स हैं लगभग इनका इनेक्सिन जो प्रोटीन है लगभग सिमिलर फंक्शन इनका होता है और सिक्स कोनेक्सिन्स जो हैं वो एक कोनेक्सोन बनाता है। तो हम छोटे छोटे कोनेक्सिन्स के यूनिट्स 6 मिलकर एक कोनेक्सोन बनाएगा और जो दो कोनेक्सोन हैं वो आपस में एक साथ मिलकर एक चैनल बनाते हैं जिससे कि मॉलिक्यूल पास होते हैं। ये जो चैनल है गैप जंक्शन जिसे हम नाम देते हैं और इसके ऊपर पेनेक्सिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है।
और ये जो है पेनेक्सिन रिलेटिवली लेस इसकी स्टडी हुई है, और अगर हम ये देखें ये जो चैनल बनाने में ये भी प्रेजेंट होता है। बहुत सारे चैनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, और ये जो गैप जंक्शन है जिसे कि हम गैप जंक्शन प्लाक के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर जो है प्लाक के अंदर प्रोटीन का मास प्रेजेंट होता है। डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से गैप जंक्शन का के प्रोटीन आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखिए एक सेल और ये दूसरा सेल, और दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस है, और ये दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पर ये देखिए कॉनेक्सॉन, ये पूरा का पूरा कॉनेक्सॉन है जिसमें कि 6 सब यूनिट है। एक सब यूनिट को हम कॉनेक्सिन कह रहे हैं, तो ऐसी 6 मिलकर कॉनेक्सॉन बनाएगी। और इस तरीके से ये जो एक दूसरी सेल से एक चैनल बना रहे हैं, ये जो चैनल है वो हाइड्रोफिलिक चैनल होता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो कॉनेक्सॉन है ये क्लोज सिचुएशन है और यहाँ पर ओपन। तो इस तरीके से यहाँ पर जैसे फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल एंड थर्ड सेल, इनके बीच में आप ये देखिए चैनल आपस में गैप जंक्शंस बने हुए हैं। फंक्शंस ऑफ गैप जंक्शन, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन फंक्शन है वो है सेल्स को आपस में कनेक्ट करना, जिससे कि मॉलिक्यूल्स जो है एक सेल से दूसरे सेल में चले जाएं। इनके अंदर सेल टू सेल कम्युनिकेशन जो है वो भी गैप जंक्शन के थ्रू होता है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली नेबरिंग जो सेल्स हैं वहाँ पर चले जाते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड जो चारों तरफ फैला हुआ है उस पे जाने की उसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। गैप जंक्शंस जो है स्पेशली इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, जिसमें कि नेबरिंग जो सेल्स है, आस पड़ोस की जो सेल्स हैं उनके अंदर, क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इसके अंदर क्योंकि फास्ट कम्युनिकेशन एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर चाहिए होता है, तो गैप जंक्शंस बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर गैप जंक्शंस ब्लॉक हो जाते हैं तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट रुक जाता है, नॉर्मल नहीं हो पाता है। गैप जंक्शंस जो है वो केमिकल और इलेक्ट्रिकल कपल बनाते हैं, और इनके अंदर ये दो सेल्स को आपस में जोड़ते हैं, जिससे कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कपलिंग जो है, जैसे हम हार्ट के अंदर देखते हैं तो सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिकल कपलिंग होती है, और इस तरीके से जैसे हम ये वाली इलेक्ट्रिकल कपलिंग जो है न्यूरॉन्स के अंदर भी देख सकते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स बनता है, और केमिकल साइनैप्स जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर बनता है, और ये सारा के सारे में गैप जंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब एक सेल लगभग खत्म होने वाली होती है, डाई होने वाली होती है, मरने वाली होती है किसी भी डिजीज या इंजरी से, तो वो कुछ सिग्नल जो है वो गैप जंक्शंस के थ्रू भेजती है। ये सिग्नल जो है पास वाली नेबरिंग जो सेल्स के पास पहुंचते हैं, और ये जो होते हैं जिससे कि भाई वो डिजीज या इंजर्ड ना हो जाए, और जिसे कि हम बायस्टैंडर्ड इफेक्ट के नाम से जानते हैं, और जिसे कि पास वाली जो सेल्स हैं जो कि इनोसेंट हैं और वो विक्टिम ना बन जाए, इसीलिए ये जो एडसेंट सेल है वो अपने जो डेवलपमेंट उसे चाहिए वो सारे की सारी फैसिलिटीज उसके अंदर डेवलप हो जाती है। सेल जो है वो थेरेप्यूटिक कंपाउंड्स जो हैं वो भी एक दूसरे को भेज देते हैं गैप जंक्शन के थ्रू, और इस तरीके से गैप जंक्शन थेरेप्यूटिक ड्रग्स डिलीवरी में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कोनेक्सिन, अब हम एक कोनेक्सिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। कोनेक्सिन जो है गैप जंक्शन के प्रोटीन है, जो कि ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं, और इनके अंदर ये जो प्रोटीन्स हैं वो इनेक्सिन से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, जो कि इनवर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कोनेक्सिन्स, और 6 कोनेक्सिन मिलकर एक कोनेक्सॉन बनाते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया।
बहुत सारे और सेल जंक्शंस है। गैप जंक्शन एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन था और बहुत सारे और जंक्शंस हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। सेल और दो सेल के बीच में कई और कनेक्शंस होते हैं, अब हम उसे डिस्कस करते हैं। एंकरिंग जंक्शन, एंकरिंग जंक्शन जो है एक टाइप ऑफ सेल जंक्शन है जो कि एक जो मास है प्रोटीन का वो कनेक्टेड होता है सेल्स के। सेल्स जो है जिसमें अंदर टिश्यूज ऑर्गन जो है वो एक दूसरे से अटैच होनी चाहिए, एंकर्ड होनी चाहिए, जिससे कि एक टिश्यू बन सके। तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से अटैच होनी चाहिए। सेल्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारे तरह के जंक्शंस कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जिनके फंक्शंस होते हैं। एंकरिंग जो प्रोटीन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सटेंड हो जाती है और साइटोस्केलेटन जो प्रोटीन है उससे ये जुड़ जाती है। तो साइटोस्केलेटन प्रोटीन जो हैं वो दूसरी नेबरिंग सेल के साइटोस्केलेटन से ये जुड़ जाती हैं और एंकरिंग जंक्शन को बनाती हैं। तीन तरह के एंकरिंग जंक्शंस बेसिकली देखे गए हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट अब हम बात करते हैं एंकरिंग जंक्शंस की। फर्स्ट है डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स जो है उसे हम मैक्यूले एडहेरेंट्स के नाम से जानते हैं और ये जो है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन है वो एडजेसेंट सेल के थ्रू इसको जोड़ने का काम करता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कंपाउंड है जो कि केराटिन या डेस्मिन के होते हैं ये मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाते हैं और एक डेंस प्लाक बनाते हैं और साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन का जो फेस है वहाँ पर। और कैडहरिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एंकर करने का काम करते हैं साइटोप्लाज्मिक प्लाक को। और ये जो मेम्ब्रेन है स्ट्रॉन्गली कैडहरिन जो प्रोटीन्स हैं उनसे एडजेसेंट सेल से जुड़ जाती है। हेमीडेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम जो है वो रिविट लाइक जैसे रिविट होता है उसी तरह के कनेक्शंस होते हैं जो कि साइटोस्केलेटन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं। डेस्मोसोम की तरह ही इनके अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर और जो कि डेस्मोसोम से हल्का सा डिफरेंस है क्योंकि इनके अंदर ट्रांसमेम्ब्रेन एंकर्स जो हैं इंटेग्रिन होते हैं कैडहरिन की अपेक्षा। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का कंपैरिजन, ये डेस्मोसोम्स है, ये देखिए डेस्मोसोम्स और यहाँ पर ये हेमीडेस्मोसोम्स। तो इस तरीके से हम दोनों का डिफरेंस देख सकते हैं। ये सेल टू सेल को कनेक्ट कर रहा है डेस्मोसोम्स जबकि हेमीडेस्मोसोम एंकरिंग का काम कर रहा है। सेल के आप देखिए सभी तरह के जंक्शंस हैं, एडहेरिन जंक्शंस जो कि दो सेल को अडहेर करने का काम कर रहा है और यहाँ पर हेमीडेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम और टिश्यू को एंकर करने का काम कर रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में और जबकि डेस्मोसोम्स जो है वो सेल टू सेल कनेक्शन का काम कर रहा है। यहाँ पे इनके प्रोटीन्स डेस्मोग्लेलिन, तो इस तरीके से इनका एक प्लाक बन जाता है सेल्स के बीच में। टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन जो है एक सेल जंक्शन है जहाँ पर सेल जो है टाइटली बॉन्डेड होती है और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि वर्टिब्रेट की अगर एपिथेलियल सेल है वहाँ पर टाइट जो जंक्शंस है एक बैरियर की तरह काम करता है और ये जो है वो वाटर के मूवमेंट को रेगुलेट करता है और सॉल्यूट्स जो है एपिथेलियल सेल के उसको भी रेगुलेट करता है। टाइट जंक्शंस को हम क्लासिफाई कर सकते हैं पैरासेलुलर बैरियर की तरह और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन, डायरेक्शनल डिस्क्रिमिनेशन ये प्रोवाइड करता है और सॉल्यूट को एक जो साइज पर, जो सेल का जो साइज है उस पर ये डिपेंड करता है।
फिजियोलॉजिकल जो पीएच जो है वो सेलेक्टिवली सॉल्यूट को पास करने के लिए टाइट जंक्शंस के थ्रू ये होते हैं, और मोस्टली जो टाइट जंक्शंस हैं वो स्लाइटली सेलेक्टिव होते हैं कैटायंस के प्रति। तो ये क्या कर रहा है, टाइट जंक्शन आयंस को प्रेजेंट करेगा लेकिन सेलेक्टिवली जो सेपरेशन है पास करना है वो ये काम करने का करेगा। ऐसे हर कोई मॉलिक्यूल नहीं आएगा इसके अंदर, स्लाइटली ये सिलेक्टिव होते हैं कैटायंस के प्रति। टाइट जंक्शंस आप देख सकते हैं, टाइट जंक्शंस कॉम्प्लेक्स बन गया और ये है पैरासेलुलर स्पेस। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल की, ये है दूसरे सेल की। तो इस तरीके से ये टाइट जंक्शंस जो हैं ये भी प्रोवाइड करते हैं कैटायंस को मूव करने में। आज हमने सेल्स के डिफरेंट जंक्शंस के बारे में जाना कि किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्स्ट्रा जो स्ट्रक्चर हैं जिसमें कि ये सेल जो कि अडहर करने का काम कर रहा है और सेल टू सेल कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं, और इसे हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। थैंक यू सो मच।